नमस्कार, मेरा नाम करणदेव सिंह और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल संगल राम से हूँ। तो आज हमारे स्कूल पे एक तो मेरा ये सब कैसे बनाए जाते हैं तो इसके पीछे आ जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगा, बाकी ने भी लगाया है तो जूस सर इनके साथ हमने 40 रुपये भेज दिए हैं, 50 रुपीज़ के भेज दिए सर, चली गई 1 रुपये सर, 4 सर। यहाँ क्या बनाना शेक सर आएगा? सर बनाना शेक है। तो प्राइस क्या है इसका बनाना शेक का? 30 रुपीज़। ये क्या है? चॉकलेट। और डेकोरेशन ये डिस्प्ले के लिए है, चमन के साथ, दूध के साथ, मैगी के लिए, जलेबी के साथ करते हैं। एक चमन आप खाओ, एक चमन, एक चमन। सही। और ये क्या है? व्हाट इज इट? हाँ चेक करवाओ पहले हमें। आप जलेबी करो, आप ग्राम में चेक करो। वहाँ पे चाउमीन था, आप कितना लड़ू रहे सर? ब्लड जैम, जैम ब्लड किधर है? पुलाव ये किधर है? अब आप जब बनाए घर से बनाए दाल रोटी की है, ये भी घर से बनाई हुई है, तो चाउमीन से ये भी घर से होता है, फ्रेंच फ्राइज ये भी सारा कुछ घर से बनाया है। इसके अंदर से चटनी है, चटनी से चाय मिला के भी हमने तंदूरी रोटी और दम आलू बनाए और खीर बनाई है, और मतलब ये हम सब ने खाना अपने घर में बनाया और ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खाना चाहिए और घर का खाना जो होता है बहुत अच्छा है। हमारी फूड का नाम ऐसे हमारे स्टॉल का नाम फूड है, और सर आप देख सकते हैं यहाँ पे पकौड़े लगे हुए, हमने पकौड़े बना के लाए हैं सर। गोलगप्पे बेहतरीन। कौन सा स्टॉल रहा? ऐसे तो देखने में आया है कि सबने बहुत ही बढ़िया, बड़े ही अच्छे नीट एंड क्लीन तरीके से प्रिपरेशन की थी और यहाँ पे सेल किया। कुछ क्राइटेरिया हमने रखा हुआ था, उसके आधार पे मार्क्स अलॉट किए गए हैं, 15 मार्क्स टोटल थे। बैक क्रिएटिविटी के 5 नंबर थे और क्लीननेस के भी 5 नंबर थे। इसी बेस पे जजिस का फैसला ये इंटरनेशनल डे फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो जो फैसला करूंगा रनर अप जो आज की है फन बाइट्स, जोरदार ताड़ियां, फन बाइट्स रनर अप है। 14 मार्क्स इसने लिए हैं आउट ऑफ 15। और आज की जो फर्स्ट टीम आई है फूड स्ट्रीट, फन बाइट्स के मैं रिप्रेजेंटेटिव हेड जो है स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, उन्हें वो स्टेज पे आए और अपना प्राइज मेजर सर और प्रिंसिपल सर और माइफ साहब से वो अपना हस्त